हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 की सबसे कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट दिव्या अग्रवाल की, जो कि एक इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस, मॉडल और डांसर हैं, और जिन्हें एमटीवी इंडिया के कई रियलिटी शो में भाग लेने के लिए जाना जाता है। साथ ही आपको बताएंगे दिव्या अग्रवाल से जुड़े कुछ ऐसे रियल फैक्ट्स जिनके बारे में शायद ही आप जानते हों। तो दोस्तों, अगर आप दिव्या अग्रवाल के फैन हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिव्या अग्रवाल का जन्म 4 दिसंबर 1992 को मुंबई में हुआ था। इनका निकनेम डी है। बात करें इनके फैमिली की तो इनके पिता का नाम संजय अग्रवाल, माता का नाम रोजी अग्रवाल और भाई का नाम प्रिंस अग्रवाल है। पर अफसोस 28 अक्टूबर 2020 को कोरोना की वजह से इनके पिताजी की डेथ हो गई। बात करें इनके एजुकेशन की तो दिव्या ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से की। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने सानपाड़ा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी मुंबई से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन पूरी की। दिव्या कैनेडियन यूनिवर्सिटी दुबई में भी पढ़ाई कर चुकी हैं, पर शायद ही आप जानते हैं कि दिव्या को बचपन से ही डांस करने का शौक था, इसलिए कॉलेज की स्टडी के दौरान ही उन्होंने डांस सीखने के लिए टेरेंस लुइस डांस एकेडमी में एडमिशन लिया और एक साल तक डांस सीखने के बाद उन्होंने एलिवेंट डांस इंस्टीट्यूट नाम से अपनी खुद की डांस एकेडमी शुरू की। बात करें इनके फिजिकल स्टेटस की तो इनका बॉडी मेजरमेंट 34-27-34, हाइट 5'6", वेट 54 kg, आईज कलर ब्लैक और हेयर कलर भी ब्लैक है। अब बात करें दिव्या अग्रवाल के करियर की तो साल 2015 में मिस नवी मुंबई की विनर रही और साल 2016 में इन्होंने मिस इंडियन प्रिंसेस और मिस टूरिज्म इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता। पर इन्हें पहचान मिली जब 2017 में इन्होंने एमटीवी स्प्लिट्सविला सीजन 10 में पार्टिसिपेट किया और उसकी सेकंड रनर अप रही। इसके बाद साल 2018 में दिव्या डेट टू रिमेंबर शो का हिस्सा बनी और इस शो की भी सबसे कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट रही, क्योंकि शो में उन्होंने अपने पुराने बॉयफ्रेंड प्रियांक शर्मा के बारे में बहुत सी बातों का खुलासा किया था। इसी साल दिव्या ने स्प्लिट्सविला 10 की विनर रह चुके बसीर अली के साथ ऑन रोड विद रोडिस के एक एपिसोड को होस्ट भी किया था। इसके बाद दिव्या एमटीवी इंडिया के एस ऑफ स्पेस सीजन 1 में नजर आईं और उसकी विनर भी रहीं। साल 2019 में इन्होंने एक इंटरनेशनल शो ट्रैवल विद अ गॉड में भाग लिया और शो की सबसे खास बात थी कि दिव्या और टेलीविजन सेलिब्रिटी शेफ डिन एडवर्स को एक भेड़ के साथ बुल्गारिया की यात्रा करनी थी और उन्हें ये डिसीजन लेना था कि अपनी यात्रा के दौरान उन्हें खाने के लिए उस बकरी की हत्या करनी है या फिर उसकी जान बचानी है। इसी साल दिव्या ऑल्ट बालाजी की डरावनी वेब सीरीज रागनी MMS रिटर्न्स में रागनी देवी की भूमिका निभाती दिखाई दी और अब साल 2021 में दिव्या बिग बॉस ओटीटी में भाग ले रही हैं। दिव्या ने इलियाना डिक्रूज और शिल्पा शेट्टी जैसी कई फेमस अभिनेत्रियों के विज्ञापनों को भी कोरियोग्राफ किया है। बात करें कंट्रोवर्सी की तो दिव्या अग्रवाल सुर्खियों में आई जब उन्होंने बॉयफ्रेंड प्रियांक शर्मा के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और जब प्रियांक शर्मा बिग बॉस 11 में एज अ कंटेस्टेंट आए थे उस समय एज अ गेस्ट जाकर दिव्या अग्रवाल ने नेशनल टेलीविजन पर प्रियांक शर्मा से ब्रेकअप कर लिया था। बात करें इनके रिलेशनशिप की तो दिव्या अग्रवाल और प्रियांक शर्मा का रिश्ता किसी से छुपा नहीं है। दोनों की पहली मुलाकात साल 2017 में एमटीवी के शो स्प्लिट्सविला 10 पर हुई थी। दोनों के बीच शो में होने वाली मुलाकातें बहुत ही जल्द प्यार में बदल गईं। हालांकि दोनों का ये रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया और प्रियांक शर्मा के बिग बॉस 11 में भाग लेते ही दोनों के बीच दूरियां आ गईं और ये दूरियां फिर बाद में ब्रेकअप में बदल गईं। प्रियांक शर्मा से ब्रेकअप के बाद साल 2018 में दिव्या एक्टर और एमटीवी रोडिस के एक्स कंटेस्टेंट वरुण सूद की पहली मुलाकात हुई थी। दिव्या अग्रवाल और वरुण सूद ने टीवी रियलिटी शो रोडिस रियल हीरोज और एमटीवी एस ऑफ स्पेस में एक साथ काम किया। दोनों के बीच प्यार की शुरुआत टीवी शो एमटीवी एस ऑफ स्पेस के दौरान हुई। दिव्या को एमटीवी एस ऑफ स्पेस का विनर घोषित किया गया और इसी शो में सबके सामने वरुण सूद ने दिव्या को प्रपोज किया, जिसे दिव्या ने हामी के साथ स्वीकार भी कर लिया था। I've known you for 24 months and there have been times where I've loved you in such a way that I've not loved anybody in my life. बात करें इनकी नेटवर्थ की तो दिव्या अग्रवाल की कुल संपत्ति लगभग 7.5 करोड़ रुपए है। दिव्या अग्रवाल सबसे बड़ी पेड इंडियन मॉडल्स में से एक हैं, जो पर एपिसोड के लिए लगभग 10 से 15 लाख रुपए चार्ज करती हैं। दिव्या अग्रवाल भारत के मुंबई में अपने परिवार के साथ अपने घर में रहती हैं। दिव्या अग्रवाल रेनॉल्ट क्लाइंबर टोयोटा इनोवा जिसकी कीमत 15 लाख रुपए और हार्ले डेविडसन 48
रॉयल एनफील्ड सहित कई बाइकों की मालिक भी हैं। तो दोस्तों, ये थी दिव्या अग्रवाल से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।